हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोटैटो टेक। जी हां दिव्य और सज्जनों, जहां पे आपको मिलता है सिर्फ ज्ञानवर्धक। इस धरती पे आए हैं तो जाना तो पड़ेगा, आज जाए कल जाए परसों जाए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, उसी का एक और वर्जन है, नंगाई तो आया था नंगाई तो जाएगा, घंटा लेकर आया था। क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई है और हर कोई रहता फैलाता है, जो जायदाद है उस फटफड़ाते हुए कबूतर को दे दी जाए, बिल्ली को अपनी जायदाद दे दी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल डेथ के बारे में। जी हाँ देवियों सज्जनों, आपने सही सुना, आप भी ले सकते हैं अपनी डिजिटल डेथ। मर गया साला, अलग अलग तरीके से लोगों से चैट करी जाती है। अरे बाबू सोना, चैट में कई लोग व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर। अब ऐसा हुआ कि वो सारी चैट आपके जाने के बाद में किसी और ने पढ़ ली और पब्लिक हो गई, जाने से पहले कुछ इज्जत नहीं, जाने के बाद तो और नहीं रही। तो इन सारी चीजों को हम लोग प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से किसको एक्सेस दिया जाए आपके सोशल मीडिया अकाउंट का, ताकि वो रायता ना फैलाए, बूंदी रायता है, वेज रायता है या फिर चुकंदर रहता। आप अपनी डेथ को डिजिटली प्लान कर सकते हैं कि जो सारी चीजें आपने सोशल मीडिया पे की है वो सारी चीजें आपके जाने के बाद कौन हैंडल करेगा। देखो एक तो सिंपल सा तरीका है, मेरी आखिरी इच्छा, अपने सबसे ट्रस्टेड बंदे को अपना पासवर्ड दे दो। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, अपने ही कमीने होते हैं। तो ये तो हो गई आम जिंदगी, अब आते हैं हम लोग मेंटोर जिंदगी पे। और आपके जाने के बाद आपके चाहने वालों तक मैसेज पहुंच जाए कि वो तो गुजर गए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फेसबुक पे। ज़करबर्ग भाई आपने भी एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि जब आप गुजर जाएंगे तो आपके अकाउंट का क्या होगा। फेसबुक में एक फीचर है जिसे कहते हैं लेगेसी कॉन्टैक्ट। अब ऐसा नहीं है कि लेगेसी कॉन्टैक्ट को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपके अकाउंट, ना मुन्ना ना, आप बेफिक्र होके जा सकते हैं, बट जो आपने रायता फैलाया है, चैट्स किए हैं, जगह जगह आप चैटे हैं, वो सारी चीजें उनको नहीं पता लगेंगी। ज़करबर्ग भाई साहब से गुजारिश भी मैं करना चाहूंगा कि सुधारने के बाद भी थोड़ा वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने फेसबुक की, फीलिंग एक्साइटेड विद 20 अदर्स। अब ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को आपने चूज किया उसको सारी आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, कुछ चुनिंदा डिटेल्स मिलेंगी, वो पोस्ट आपकी जरूर देख पाएंगे, इवन अगर आपने ओनली मी कर रखा है, पिन पोस्ट डाल पाएंगे और लोगों को इन्फॉर्म कर पाएंगे कि भाई साहब वो तो चल बसे, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जो कवर फोटो है वो उसको अपडेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें ना प्लान करके एक डायरी में लिख के जाना लेगेसी कॉन्टैक्ट के लिए, मुन्ना ये कर देना थोड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि वो सारी डिटेल्स जो आपने शेयर की है वो सारी चीजें डाउनलोड कर ले आपका जो लेगेसी कॉन्टैक्ट है, मेरा जो डेटा हो वो सिक्योर रहे, ताकि अगले जन्म मुझे ज़करबर्ग ही कीजो कि मैं नीचे जाके वापस अपनी डिटेल्स को देख सकूं, तो वो भी वो बंदा कर सकता है। ध्यान रखें कि वो लेगेसी कॉन्टैक्ट आपको आपके जाने के बाद एक्सपोज ना कर दे, आजकल एक्सपोज का चल रहा है ना ट्रेंड। थोड़ी सी राहत की सांस में देता हूँ कि लेगेसी कॉन्टैक्ट क्या नहीं कर सकता। आपके अकाउंट में वो लॉगिन नहीं कर सकता, आपकी मैसेजेस वो नहीं पढ़ सकता कि किस किस से आप चैटे हैं, आपके दोस्त को वो नहीं हटा पाएंगे, और किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मन में लड्डू फूटा। इसके पीछे बात यह है कि आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा लेगेसी कॉन्टैक्ट को चूज करने के लिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मैं ऐसे बंदे को चूज कर सकता हूँ जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, एज इन मेरा लेगेसी कॉन्टैक्ट, ना मुन्ना ना। तो अभी ज़करबर्ग भाई साहब इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी जो आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं आपके, उन्हीं में से आपको अपना लेगेसी कॉन्टैक्ट चूज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग गूगल पे। तो गूगल में भी एक ऐसा फीचर है, गूगल से तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, तो गूगल में एक फीचर है जिसे कहते हैं इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर। मैनेजर का स्वाग अलग ही रहता है। अगर आपका जो गूगल अकाउंट है अगर काफी टाइम तक इनएक्टिव रहता है तो उसमें आप 10 लोगों को चूज कर सकते हैं, और इवन उनको परमिशन ग्रांट कर सकते हैं कि क्या चीजें डाउनलोड करो। तो गूगल के इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर के साथ में आप चीजों को चूज कर सकते हैं, क्या चीजें आपको पब्लिक रखनी है, क्या चीजें आपको प्राइवेट रखनी है, और इवन आप ये चूज कर सकते हैं कि जिन बंदों को आपने सेलेक्ट किया है वो डेटा को डाउनलोड करने के बाद में वो डेटा अपने आप प्राइवेट हो जाए या डिलीट हो जाए। अब इसको सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर पेज पे और स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। जिस बंदे को आपने चूज किया है एज एन ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट उसका नंबर देना कंपलसरी है। तो जीते जी जो भी कर रहे हो वो थोड़ा ध्यान से करना, चैटना मत, मतलब चैटे मत करना, चैटना हो। अगला आ जाता है अपना ट्विटर। अब ट्विटर इतना ध्यान नहीं देता, अब गया तो गया, तोते उड़ गए तो उड़ गए, सिर्फ इतना कहता है कि जो गए उनका सबूत दे दो हमें, हम उनका अकाउंट बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। ट्विटर में बेसिकली ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप उनका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं या डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा फेवरेट सोशल मीडिया अकाउंट आ जाता है इंस्टाग्राम, 250 ग्राम का इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम भी ज्यादा माथापोड़ी नहीं करता, गया तो गया जाने दो, धरती पे बहुत साल। आप इंस्टाग्राम वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई साहब वो तो गए, काम सिर्फ इतना सा है कि इन्फॉर्म कर दें इंस्टाग्राम वालों को कि वो तो गए। तो जाने से पहले एक काम ये है, वसीयत में अपने लिख के जाना सबके सब, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सबका बदला लेगा तेरा पैजल। तो तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग करवा रहा हूँ मैं किस तरीके से जाना। शाहरुख भाई ने अपने सही कहा है, पर्पल यहाँ जीबर जी हो क्या पता, कल हो ना हो, हाय हाय क्या बात कही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कॉमेंट शेयर
एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर सही कर देना एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.